अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भुने हुए कीमे की रेसिपी। ये मटन कीमा बहुत जल्दी से बन जाता है, तो आइए देखते हैं हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। भुना कीमा बनाने के लिए हमने 400 ग्राम मटन का कीमा लिया है और 2 टमाटर छील के बारीक काट लिए हैं, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 4-5 हरी मिर्चा कटी हुई, आधा चम्मच भुना कुटा जीरा है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच ही कुटा हुआ धनिया है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है ये, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक है, नमक टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे, और आधा चम्मच गरम मसाला है, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, थोड़े से साबुत गरम मसाले हैं, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच जीरा, 4-5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च और 2 तेज पत्ते। कुकर में हमने 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप, इसमें ये गरम मसाले डाल देंगे। हल्का सा भूनेंगे इन्हें, उसके बाद एकदम प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गुलाबी करना है। देखिए प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई है, हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करनी है। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमे को 2 मिनट तक प्याज में फ्राई कर लिया हमने प्याज के साथ। अब इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें कीमे को भूनेंगे। 5 मिनट तक हम इसमें कीमे को भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाला कीमा अच्छे से भून गया है लहसुन अदरक और प्याज के साथ, तेल ऊपर आ गया। अब हम इसमें मसाले डालने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नमक डालेंगे, मिर्च पाउडर, हल्दी, चिली फ्लेक्स और ये धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे, 2 टमाटर है ये, इसको हमने छील के जब काटा था। फ्लेम को मीडियम करके टमाटर भी अच्छी तरह से गलने तक इसे भूनेंगे, थोड़ी देर ढक के पका लेते हैं 2 मिनट तक। ग्रीन चिली नहीं डाली थी अभी हमने, ये भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकने, आधा ग्लास पानी डाल देंगे, क्योंकि ये बारीक कीमा है जल्दी गल जाएगा, आधा ग्लास पानी काफी है। अब इसमें 2 सीटी लगा देंगे, उसके बाद इसके प्रेशर में इसे दम होने देंगे। देखिए हमने 2 सीटी लगा के इसके प्रेशर में इसे दम होने दिया था। कीमे को अब हमें और भूनना है 5-7 मिनट तक। फ्लेम को फुल कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा पाउडर भी डाल देंगे। देखिए हमने कीमा 6-7 मिनट तक भून लिया है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब ये सिर्फ तेल रह गया है, इसमें तेल ऊपर दिखने लगा है। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें। मिक्स करेंगे
और इसे 2 मिनट के लिए और दम कर देंगे। ये देखिए हमने 2 मिनट के लिए कीमे को दम कर दिया था, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा भुना हुआ कीमा तैयार है, मटन कीमा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसे आप सफ़र में भी लेके जा सकते हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं होता, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। आप इसे रोटी, पराठे, पूरी, कचौरी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।